हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मकड़ी के बारे में सुनकर ही ज़हन में खौफ आने लगता है, सांप हो या बड़ी मकड़ी, इस तरह की चीजें लोगों में खौफ पैदा कर देती हैं। लेकिन हाल ही में एक छोटी बच्ची की देह वहकल मकड़ियों के साथ खेलने की वीडियो मंजरे आम पर आई, जिसे देख कर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। मकड़ी हो या छिपकली बच्चे अक्सर उन्हें देख कर चीखने चलाने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये कम सन बच्ची बेखौफ होकर एक बड़ी मकड़ी के साथ खेलती दिखाई दे रही है और उन्हें अपने हाथ में उठा भी लेती है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मकड़ी रिंगते हुए बच्ची की पुश्त पर भी चली जाती है, लेकिन वो उसे डरने की बजाय खेलने में मसरूफ है, वो भी बिना किसी खौफ के। आप भी जरा इस वीडियो को देखें। और दोस्तों, एक ऐसी वीडियो जिसमें एक भूखा जंगली हाथी खाने की तलाश में इंसानों की बस्ती में घुस गया। ये वीडियो भारत से है और भारत में आजकल जंगली जानवरों की इंसानी बस्तियों में आजादाना घूमने की वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। गुज़िश्ता दिनों असम में एक भूखे जंगली हाथी की एक दरिया में तैराकी की वीडियो सामने आई थी। एक बार फिर एक जंगली लेकिन भूखे हाथी की असम के शहर में आजादाना घूमने की वीडियो वायरल हुई, जो घंटों वहाँ गलियों में घूमता रहा। वीडियो में हाथी के जिस्म से निकलती गड़ियाँ उसे बीमार और भूखा जाहिर कर रही है। खाने की तलाश में ये हाथी एक घर में भी घुस गया था। भूखा हाथी गलियों में घूमता रहा और कई मकामात का दौरा किया। हाथी खाने की तलाश में एक इलाके में एक घर की किचन में दाखिल हुआ। बाद में वो एक जहाज की बंदरगाह के जरिए एक पार गया। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके फौरन बाद हाथी ने असम स्टेट बस का दौरा किया और ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में वहाँ खड़ी दो गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने के बाद ये हाथी बुलाकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर के पीछे एक गड्ढे में जा गिरा। हाथी का शहर का दौरा उस वक्त खत्म हुआ जब महकमा जंगलात के एहलकारों ने उसे एक किनारे की तरफ धकेल दिया और यूं ये देखते देखते दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों, आपको ये हाथी की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।